वेलकम टू मैथमेटिक्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। आज हम लोग फिर से एक आइडियाज और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक आइडिया है, और जब तक हम लोग मैथमेटिक्स में रैशनल और इरैशनल को डील करते रहेंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आज के कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट पे आने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातें याद कर लेनी चाहिए। जब तक हम उन्हें रिकॉल नहीं करेंगे तब तक हम आज के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं और ये एक स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है। लेकिन इरैशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट नहीं किया जाता। ये मैं एक छोटा सा सिंबल यूज कर रहा हूं अभी सिर्फ समझाने के लिए। मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में इरैशनल नंबर को डिनोट करने के लिए किसी खास सिंबल को अभी तक अपनाया नहीं जा सका। मैं उसे अभी आपको समझाने के लिए हर बार इरैशनल लिखने से बेहतर है कि मैं एक सिंबल ले लूं और वो सिंबल को आप इरैशनल नंबर मानेंगे। मैंने वो सिंबल लिया है क्यू डैश। स्टूडेंट्स, जब हम रैशनल और इरैशनल की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो भी कोई ऑपरेशन होता है उसमें रिजल्ट हमें इरैशनल नंबर ही मिलता है, चाहे हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, रिजल्ट हर हालत में हमें इरैशनल ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से एड करेंगे रिजल्ट इरैशनल होगा। रैशनल नंबर में इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करें या इरैशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, हमारा रिजल्ट इरैशनल होगा। रैशनल में इरैशनल को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट इरैशनल होगा। और रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से या किसी इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट इरैशनल होगा। ये था जब इरैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर की कोई ऑपरेशन होती है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है। उसके ठीक अपोजिट, जब हम किसी इरैशनल नंबर को दूसरे इरैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो कुछ केसेस में हमें रैशनल नंबर मिलते हैं और कुछ केसेस में इरैशनल नंबर मिलते हैं, यानी कि दोनों मिलता है। किसी इरैशनल नंबर में किसी दूसरे इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट कभी तो रैशनल होगा या कभी इरैशनल होगा। सिमिलरली इनका प्रोडक्ट समटाइम रैशनल समटाइम इरैशनल, और इनका जो कोसेंट होता है हम क्यू डैश डिवाइड क्यू डैश लिखें या हम इसे इस तरह से लिखें, हमारा रिजल्ट कभी तो रैशनल आएगा और कभी इरैशनल आएगा। अब हम इन सारे कंडीशंस के बारे में समझेंगे। आज का कॉन्सेप्ट इसी आइडिया पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि किस तरह के नंबर्स होंगे जिन्हें ऐड करने पे रैशनल आएगा और ऐड करने पे इरैशनल आएगा, वो किस तरह के नंबर होंगे। ये दो नंबर हैं, दोनों इरैशनल हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जबकि हमें रिजल्ट रैशनल मिलेगा और रिजल्ट इरैशनल मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन को बनाना, कोई एक आंसर लाना और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना, ये दोनों दो बातें हैं। हम लोग सीधे सीधे उस कॉन्सेप्ट पे हैं, उसके पहले हमें और भी बातें समझनी है। इरैशनल नंबर दो तरह की होती है, एक जिसमें सिर्फ इरैशनल पार्ट होता है जैसे रूट टू, जैसे रूट थ्री। तो इस तरह के इरैशनल नंबर जिसमें सिर्फ इरैशनल पार्ट होगा हम उसे प्योर इरैशनल नंबर के नाम से याद रखेंगे, और ऐसे नंबर जिसमें रैशनल पार्ट भी है इरैशनल पार्ट भी है हम उसे मिक्स्ड इरैशनल नंबर के नाम से जानेंगे, 2+√3। दिस नंबर इज ओनली वन नंबर। मैंने बताया था कि जब ब्रैकेट के अंदर से इनक्लोज कर देंगे तो ये एक नंबर हो जाएगा। इसमें दोनों पार्ट है, रैशनल पार्ट भी है और इरैशनल पार्ट भी। सो दिस इज मिक्स्ड इरैशनल नंबर। 2-√3 इट इज अगेन मिक्स्ड इरैशनल नंबर क्योंकि इसमें रैशनल और इरैशनल दोनों पार्ट है। उसी तरह से 5√2, 5√2 मीन्स 5 × √2, इसमें रैशनल पार्ट भी है इरैशनल पार्ट भी है तो ये मिक्स्ड इरैशनल है। √2/3, √2 इज इरैशनल मल्टीप्लाइड 1/3, 1/3 इज रैशनल एंड √2 इज इरैशनल। तो इन सारे नंबर में दोनों पार्ट हैं, रैशनल पार्ट भी है और इरैशनल पार्ट भी है, तो ये जो नंबर्स होंगे उन्हें हम मिक्स्ड इरैशनल नंबर के नाम से जानेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट और है स्टूडेंट्स, लाइक और अनलाइक इरैशनल नंबर। √2 and √3 दे आर अनलाइक इरैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों हम लोग देख पा रहे हैं मिक्स्ड इरैशनल है, लेकिन इनके इरैशनल पार्ट सिमिलर नहीं है।
अगर इरेशनल पार्ट सिमिलर नहीं होता है तो वो अनलाइक इरेशनल होते हैं, जबकि 2√2, 5√2 ये लाइक इरेशनल नंबर्स होते हैं। अभी मैंने 3-4 छोटी छोटी बातें बताई, अगर वो छोटी छोटी बातें आपको याद हैं तो हम लोग आज के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर आप पहली बार में इन सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर इसे एक बार दोबारा देखिए, तब हम लोग आज के मेन कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे। आइए अब हम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर ढूंढने हैं जिन्हें सम करने पे रेशनल रिजल्ट हो। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर हम मिक्स्ड इरेशनल नंबर लेते हैं, एक फर्स्ट जो पहला नंबर होगा उसे हम लोग मिक्स्ड लेंगे। मिक्स में दो पार्ट होंगे, रेशनल और इरेशनल। यहां पे हमने 2-√3 लिया, एक नंबर तो हम कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे 2-√3। सेकेंड नंबर कोई ऐसा हम लोग चुनेंगे जो कि इरेशनल हो और इस इरेशनल पार्ट के बराबर हो। बेनिफिट क्या होगा, फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से जोड़िए, q′ + q′ दिस इज इक्वल टू 2-√3 + √3। √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा 2। इन दोनों नंबर को सेलेक्ट करते हुए हम ध्यान रखेंगे ये नंबर कुछ भी हो, इसका फर्स्ट नंबर का फर्स्ट पार्ट रेशनल पार्ट कुछ भी हो, हमें इस सेकेंड पार्ट पे फोकस करना है। जितना यहां माइनस टर्म होगा उतना ही हमारा दूसरा नंबर होगा, लाइक 7-√11 सेकेंड नंबर ले लेंगे, इसका ठीक अपोजिट +√11 और √11 2-√3 सेकेंड नंबर हमारा बिल्कुल इसके बराबर होगा। ये हमारा एक एग्जांपल है, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है और आपके सामने ये तीसरा एग्जांपल है। हम लोगों ने फर्स्ट नंबर को जो भी मानना है, फर्स्ट नंबर में एक रेशनल होगा माइनस दूसरा इरेशनल होगा, और फिर सेकेंड नंबर हमने ऐसा मानना है जो इसके बराबर हो, √3 इक्वल, यहां -√11 एंड √11 इक्वल, साइन अपोजिट होना चाहिए और नंबर सेम होना चाहिए। तो इस तरह के जब भी दो नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो दोनों को ऐड करके हमारा रिजल्ट हर हालत में रेशनल आएगा। मैंने इसके 4 एग्जांपल और लिख दिए हैं, फर्स्ट नंबर हमारा कैसा होगा, सेकेंड नंबर हमारा कैसा होगा और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट सम क्या होगा, हर बार ये हमारा रेशनल नंबर आ रहा है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल बनाते और आप लोग घर में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अब हम इस तरह के प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, अगर इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर होना चाहिए। इसमें ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग दोनों ही नंबर को लाइक इरेशनल लेंगे, दैट मीन्स इसका इरेशनल पार्ट अगर √3 है तो ये प्योर इरेशनल लेंगे और लाइक लेंगे √3 √3। यहां पे इरेशनल पार्ट √5 है, यहां पे भी हमने √5 लिया, लाइक टर्म होना चाहिए, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। सिंगल सिंगल एक तरफ मिक्स्ड इरेशनल लीजिएगा और एक तरफ प्योर इरेशनल लीजिएगा, इससे बेनिफिट क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म है तो दोनों एड हो जाएंगे, 3√2 आएगा, 7√5 + √5 = √5, 9√3 + √3 = 10√3, 8√19 + √19 = 9√19, इस तरह के सम आप लोगों ने किए होंगे। तो अगर हम इसी ट्रिक को फॉलो करें, एक मिक्स्ड लें और जितना इसका इरेशनल पार्ट है बिल्कुल वही पार्ट इधर भी लें √3 √3 √5 √5, तो ऐड होकर के और हमारा रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर होगा। अब हमने करना है सबट्रैक्शन, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, तो ऐसे कौन कौन से कंडीशन होंगे, हमें किस तरह से नंबर सेलेक्ट करना है कि हमारा रिजल्ट रेशनल नंबर हो। बिल्कुल हम लोग पहले वाले प्रोसेस को यूज करेंगे, इधर पहला नंबर हम लोग मिक्स्ड इरेशनल लेंगे और सेकंड नंबर हम लोग प्योर इरेशनल लेंगे। फर्क क्या है, यहां साइन मैंने प्लस लिया है और सेकंड नंबर हम बिल्कुल इसके इरेशनल पार्ट के बराबर चुनेंगे, एग्जैक्टली सेम। अब फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 + √3 - √3 जो इरेशनल पार्ट है कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर रेशनल बचेगा। सेकंड एग्जांपल में 7 + √7 - √7, √7 कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट यहां 7 आने वाला है। 5 + √2 - √2 √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट 5 होगा। सिमिलरली फोर्थ का रिजल्ट 2 होगा और ये सारे नंबर क्या है, रेशनल है।
अब हम लोग इरेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन वाले प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इरेशनल नंबर हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर चाहिए कि फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करें माइनस करें हमारा रिजल्ट इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट नंबर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स मिक्सड इरेशनल नंबर 2+√3, 7+√7, 5+√2, 2+√7, ऐसा कोई सा भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें रेशनल पार्ट भी हो और इरेशनल पार्ट भी हो। सेकंड नंबर हम इसके रेशनल पार्ट के बराबर, इरेशनल पार्ट नहीं, रेशनल पार्ट के बराबर वाला सेलेक्ट करेंगे। यहां सेकंड एग्जांपल के लिए 7, थर्ड एग्जांपल के लिए 5 और फोर्थ एग्जांपल के लिए 2। बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट नंबर है हमारा 2+√3, 2+√3 माइनस हमें सब्ट्रैक्ट करना है -2, इसका रेशनल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 - 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर। यही हमें लाना था, रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, दैट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। 7+√7 - 7, 7 कैंसिल एंड वी विल गेट √7। 5+√2 एंड 5, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5+√2, 5 कैंसिल, आवर रिजल्ट इज √2। 2 and 2 कैंसिल्स एंड आवर रिजल्ट इज √7 अगेन। सो वी सी इन दिस एग्जांपल, इन सारे एग्जांपल में क्लियर है कि हम नंबर किस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि अगर इरेशनल नंबर में से फर्स्ट इरेशनल में से सेकंड इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो। इस कंडीशन में हम लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को लाइक इरेशनल सेलेक्ट करते हैं। दोनों अगर लाइक होगा तो आप लोगों ने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा √2 × √2 = √2, √3 × √3 = √3, √x × √x दैट इक्वल्स एक्स। दैट मीन्स दो स्क्वायर रूट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। दो स्क्वायर रूट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। दो स्क्वायर रूट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। हम लोग उसी टेक्निक का यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। हम लोग फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को लाइक टर्म्स लेते हैं, लाइक इरेशनल लेते हैं। ये जब मल्टीप्लाई होंगे दिस विल बी इक्वल टू 3 × √2 × √2, दिस इज इक्वल टू 3 × √2 √2 कैंसिल्स बिकम्स टू 6। उसी तरह से इन सबको मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे ये आएगा 7, √7 × √7 इज इक्वल टू 7, 7 × 7 दैट मीन्स 49 रेशनल, 5 × 10 एंड √3, √3 × 2 = 3, 5 × 10 = 30। हमारे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं यहां 6 आया, यहां 49 आया और यहां 30 आया। हमें क्या चाहिए था, ये भी इरेशनल ये भी इरेशनल, दो इरेशनल नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, रेशनल। आइए अब हम इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करते हैं। अगर हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर हो, इस कंडीशन में हम दोनों अनलाइक इरेशनल नंबर यूज करते हैं। दोनों डिफरेंट होना चाहिए, दोनों लाइक इरेशनल नहीं होने चाहिए। और इसे मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला हमारे लिए ये होगा, √a × √b दैट इज इक्वल टू √a × b। सो √2 में √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 3 = 6 आएगा, √3 × √5 √5 × 3 = 15 आएगा एंड √7 × 3 = 21 आएगा। 6, 15 और 21 ये सब के सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हम लोगों ने ये थर्ड प्रॉपर्टी भी कर लिया। इस पार्ट में हमने करना है फर्स्ट इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करना है जिसमें कि हमारा रिजल्ट रेशनल नंबर आए। इसके लिए ट्रिक ये है, इधर हम मिक्स नंबर लेंगे मिक्स इरेशनल और इधर सेकंड नंबर हम प्योर इरेशनल लेंगे। शर्त यह होगी कि जितना ये इरेशनल पार्ट होगा सेकंड नंबर बिल्कुल उसी के बराबर होगा। √2 इसका इरेशनल पार्ट है, यहाँ इरेशनल पार्ट √2 है, हमने √2 लिया। यहाँ इरेशनल पार्ट √3 है, यहाँ हमने √3 लिया। यहाँ इरेशनल पार्ट √17 है, ये भी हमने √17 लिया। अब फर्स्ट नंबर को हमने सेकंड नंबर से डिवाइड किया, √2 √2 कैंसल्स, हमें मिलता है 5। 7√3 को मैंने √3 से डिवाइड किया कैंसल्स, वी गेट 7। √17 √17 कैंसल्स, वी गेट 3। हमारा रिजल्ट क्या है, रेशनल नंबर। हम लोग अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा आसानी से बना लेंगे। अब हम लोग आज के कॉन्सेप्ट का लास्ट पार्ट देखते हैं। एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करना है और हमें रिजल्ट क्या चाहिए, इरेशनल नंबर होने चाहिए।
रैंडम नंबर्स ले लेंगे, बिल्कुल अनलाइक होने चाहिए। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर भी हम लोग दोनों ही नंबर को अनलाइक होना चाहिए। और रूट टू यहां हमने लिया है रूट टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री, रूट टू अपॉन रूट थ्री इरेशनल नंबर है। सेवन रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू रूट टू बिल्कुल रैंडम नंबर है, कहीं कोई सिमिलरिटी नहीं है, हमने कुछ नहीं सोचा, हमने सिर्फ ये ध्यान रखा कि दोनों नंबर को इरेशनल नंबर होना चाहिए। एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे रैंडमली, अनलाइक इरेशनल होगा, हमारा रिजल्ट हर हालत में इरेशनल आएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ किस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को कभी कोई ट्रबल नहीं होगी। हालांकि याद रखिएगा ये एक ट्रिक है, ये 99% कंडीशन में बिल्कुल सही अप्लाई होगा, लेकिन 0.0001% कहीं ऐसा भी होगा जहां आप इस ट्रिक को यूज करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे। बट स्टूडेंट्स 99.9999 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 100, शायद ही एक्सेप्शनली आपको कोई कंडीशन मिलेगा जहां ये सारे ट्रिक्स बनाते हुए आपको थोड़ा सा और सोचना होगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और अप्लाई करना होगा।